हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। टैली प्राइम में आज खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूं। देखिए, टैली प्राइम के अंदर अगर आप एजुकेशनल वर्जन यूज करते हैं तो उसमें डेट चेंज नहीं होती है, ठीक है। और ये फैक्ट है, 1 तारीख या 2 तारीख या 31 तारीख के डेट में आप काम कर पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर फिर भी आप डेट चेंज करना चाहें तो फिर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसी की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ एंट्रीज हुई पड़ी हैं, मैं उन एंट्रीज को आपको दिखाता हूँ कि एंट्रीज क्या हैं, ठीक है। यहाँ से 2 बार डी प्रेस करेंगे तो हम सीधा उन एंट्रीज पे पहुंच जाएंगे। जैसे ये पेरोल की एंट्री हुई पड़ी है, ठीक है, और ये डेट देख सकते हैं 1 मई की डेट पड़ी हुई है, ठीक है। या फिर इसी तरह की कोई भी एंट्री अगर आपके पास हो, उसमें डेट चेंज करना हो तो कैसे डेट चेंज करें, सबसे बड़ी समस्या। पहले तो Alt P करिए, एंटर करिए सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रिंट फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पे पेज टू प्रिंट दिया गया है और यहाँ पे प्रिंटर दिया गया। तो अगर आप इसको प्रिंट करते हैं ऐसे तो ये इस तरीके के फॉर्मेट में प्रिंट होगा और इसमें आप डेट नहीं चेंज कर पाएंगे, ये PDF है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। ये जो एक्सपोर्ट दिया गया, यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर जाने के बाद एक बार एंटर कीजिएगा और एंटर करने के बाद ये जो दिया गया है ना फाइल फॉर्मेट, यहाँ आ जाइएगा और इसको क्या करिएगा, यहाँ से एक्सेल पे लीजिएगा। ये जो एक्सेल है ना, इसी में कॉन्फिगर कर लीजिएगा और जैसे ही कॉन्फिगर कर लेंगे एक्सेल में, सेंड करिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक्सेल में ही ओपन होगा। अब जब एक्सेल में ओपन होगा तो यहाँ से आप डेट चेंज कर लीजिए। ये जो डेट 1 मई दिखा रहा है तो आप डेट इस तरीके से चेंज कर पाएंगे, ठीक है। और अगर डेट टैली में चेंज करना चाहते हैं तो फिर तो आपको टैली परचेस करना होगा, ठीक है, क्योंकि टैली प्राइम का अभी क्रैक व्रैक आया नहीं है। और अगर आप मिले तो मुझे भी बताइएगा, वैसे कुछ इस तरह का है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेट चेंज कर सकते हैं।